Hi friends, welcome to Mudraa Careers once again for the new video on SBI PO 2018 notification. SBI PO ka notification kab aane wala hai, exam kab rahega, ye sari baatein hum detail mein karne wale is video mein. Lekin usse pehle, I hope aapka 2017 bahut acha raha hoga. Aapne bahut sare alag exams diye honge and I hope ki wo acche gaye honge. Aur agar acche nahi bhi gaye hain, to please take it as a learning experience. Aapki jo bhi galtiyan hui, usse kuch seekho. और 2018 में जो भी आप एग्ज़ाम्स का अभी सोचने वाले हो उसमें वो आप यूटिलाइज करो. सो अगर वो बुरा भी था साल तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग इन 2018. सो 2018 में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन पे आने से पहले आई क्लियर द एलिजिबिलिटी पार्ट फॉर दिस. इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो एज फार एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न फॉर एसबीआई पीओ एंड ऑल्सो फॉर एसबीआई क्लरिकल एग्जाम, दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है. दैट्स ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है. ग्रेजुएशन में आपको कितने मार्क्स मिले वो कोई पूछने नहीं वाला है. सो वेदर यू आर 35% और 65% यू बोथ आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम. तो एज लिमिट इज स्लाइटली अ चेंज हियर कंपेयर टू आई बी पी एस पी ओ, छोटा सा ही चेंज है. बट एजुकेशन आपका बैचलर्स डिग्री जिसमें भी होने, तो आर्ट्स में, कॉमर्स में या इंजीनियरिंग में, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम. ठीक है, एज फार एज द एज लिमिट इज कंसर्न, जो एस बी आई पी ओ का एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर्स का है. तो आई डोंट नो कितने फ्रेश ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के बाद तुरंत 21 ईयर्स इनका कंप्लीट होता है. सो आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट दैट. नॉर्मली लोग 20 के आसपास होते हैं. सो आपका रिसेंटली ग्रेजुएशन हुआ जस्ट कुछ महीने पहले, तो शायद आप एलिजिबल ना हो. 21 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है. अपर एज लिमिट इज सिंपल, इट्स 30 ईयर्स. ये सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स का सेम होता है, 30 साल का. आईबीपीएस पीओ का अगर आपने डिटेल्स देखे तो आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें अपर एज लिमिट जो है वो 30 है, लोअर 20 to 30 लिखा होता है. तो एसबीआई में एक छोटा सा चेंज है कि 21 to 30 ईयर्स लिखा होता है पीओ के लिए. फॉर ओबीसी इट्स स्टिल 33 ईयर्स एंड फॉर एससी एसटी देयर इज एज रिलैक्सेशन अगेन एंड इट्स स्टिल 35 ईयर्स. दैट्स अबाउट एसबीआई पीओ. एसबीआई क्लरिकल की बात करें तो एज लिमिट जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस की क्लरिकल का है वही है 20 to 28 ईयर्स. 20 से 28 साल का एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी. फॉर ओबीसी इट्स स्टिल 31 ईयर्स एंड फॉर एससी एसटी इट्स स्टिल 33 ईयर्स. तो आई होप द एलिजिबिलिटी पार्ट इज क्लियर टू ऑल जो इस एग्जाम्स के बारे में पहली बार सुन रहे हैं. लेट्स कम टू द एग्जाम डेट नोटिफिकेशन, क्या कुछ आ सकता है अभी. What I have seen, जैसे कि IBPS PO बहुत बार हर साल वो अपने एक्टिविटीज़ का शेड्यूल उनके वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं. फ्रीक्वेंटली आई हैव सीन कि जो IBPS PO का एग्ज़ाम होता है वो अक्टूबर में होता है. पिछले 4-5 सालों से अक्टूबर में ही हो रहा है. क्लियर का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होता है और ये सारे एक्टिविटीज़ का डिटेल उनके वेबसाइट पर हमेशा पोस्ट किया होता है, तो जिसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. एस बी आई में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एस बी आई डोंट पुट एनी एक्टिविटी शेड्यूल ऑन देयर वेबसाइट. तो बहुत बार लोगों को जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है तभी पता चलता है कि ये सभी एस बी आई का एग्जाम होने वाला है. तो दैट इज वन बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स. और आई हैव सीन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का ही वक्त बचता है पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए. एंड श्योर टू बी ऑनेस्ट That's seriously not the best time to prepare or to do the entire studies. So before I, as I said, ये जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, this is from the past statistical record that I have with me for the past 5 years. तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि SBI PO का notification कब आ सकता है, clerical का notification and exam कब हो सकता है. So let's get all the data first. So 2013 की बात करें, 2013 में एग्जाम जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था. सो एज फार एज योर पीओ एग्जाम, एसबीआई पीओ एग्जाम इज कंसर्न, ये 2013 में अप्रैल 2013 में हुआ था. क्लियर का डेटा मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है. सो ये हुआ 2013 का डेटा. 2014 में भी एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था और ये एग्जाम हुआ था इन द मंथ ऑफ जून. सो इट वॉज इन द मंथ ऑफ जून. जून के कुछ अलग अलग डेट से, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ये सारे एग्जाम एक ही दिन पे नहीं होते, अलग अलग दिन पे होते हैं. नॉर्मली सैटरडे संडेज को होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुका रहेगा. सो मैंने कहा जून 2014 लिखा है, एक डेटा 14 जून, लेकिन उसी के आसपास कुछ अलग अलग डेट्स थे. सो 2015 में एग्जाम हुआ था, ये 2015 में वापस जून में ही हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था. तो ये इसका 14 जून के आसपास का 2015 में
ये जो एग्जाम हुआ था 21 जून के आसपास आए, 21 जून वाज वन ऑफ द डेट. तो इन 2016 द एग्जाम वाज इन जुलाई. सो जुलाई 2016 अभी इसमें जो डेट था जुलाई का, स्टार्टिंग का डेट था 3rd जुलाई वाज वन ऑफ द डेट, और तीन अलग अलग डेट से, लेकिन जो पहला डेट है वो मैंने आपको बता दिया. 2017 में एग्जाम हुआ था अप्रैल के एंड में, 29-30 अप्रैल, ये अलग दो डेट्स थे. अभी 2018 का नोटिफिकेशन आना बाकी है. नाउ फ्रॉम व्हाटएवर डेटा दैट इज अवेलेबल नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, आपको एक बात आपको दिखनी चाहिए, एग्जाम जो भी है ये अप्रैल से जून जुलाई के बीच में आया है. सो इट हैज ऑलवेज बीन कमिंग इन दिस पीरियड ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई. मैं के भी कुछ डेट्स था, मैंने जून का सिर्फ मेंशन किया, इसमें एक डेट इन द मंथ ऑफ मे भी था, मे के लास्ट वीक का एक डेट था उसमें. सो फ्रॉम दिस आई कैन प्रेडिक्ट एंड सीरियसली स्पीकिंग पिछले 5 सालों से मेरा जजमेंट और फिर अच्छा इंप्रूव होते जा रहा है. एंड यस आई कैन मेक अ क्लेम कि इस साल का जो नोटिफिकेशन है आपको अगले 1-1.5 महीने में आना चाहिए. लास्ट ईयर अप्रैल में एग्जाम हुआ था तभी नोटिफिकेशन आया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. सो अभी आप देख सकते हो अगर फेब्रुवरी में नोटिफिकेशन आया तो आपके पास सिर्फ दो महीने बचे थे पास्ट ईयर. सो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो मैं कहूँगा आज से अभी से करना है. लेट्स अज्यूम कि इस मार्च अप्रैल के आसपास ही एग्जाम आने वाला है. नाउ दैट्स अबाउट पीओ. नाउ लेट्स कम टू एसबीआई क्लर्क. एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम कब हुआ है? तो एसबीआई क्लरिकल के डेट्स पे आने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स का मर्जर हो गया मेन एसबीआई के साथ, जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वगैरह था ये सब का मर्जर हो चुका है. और ये एसोसिएट बैंक से उनके पिछले 2 साल में एग्जाम्स ही नहीं आए हैं. 2015 के बाद इनके एग्जाम्स नहीं आए हैं एसोसिएट के, तो उसका भी रिक्रूटमेंट, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट पेंडिंग है ऑफिसर का और क्लरिकल का. सो इस साल एक बड़ा एग्जाम आपको पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए पक्का मिलने वाला है. एंड लेट्स कम टू द क्लरिकल एग्जाम थिंग्स. एसबीआई क्लरिकल एग्जाम की बात करें तो 2013 में एसबीआई का मेन क्लरिकल एग्जाम नहीं आया था, एसोसिएट का आया था थोड़ा लेट, बट जो एक्चुअल एसबीआई जिसके वैकेंसी ज्यादा होते हैं उसका एग्जाम नहीं आया था. इन 2014 एसबीआई का क्लरिकल का एग्जाम आया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो इमीडिएटली जून में पीओ हो गया, जुलाई में आया था क्लरिकल का एग्जाम. 2015 में क्लरिकल का एग्जाम नहीं आया था एसबीआई का. नाउ 2015 में व्हाट आई हैव सीन, लुक दिस इज व्हाट आई रेड एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारे ब्लॉग्स में लिखा था ये एग्जाम अक्टूबर में आ रहा है, कभी लिखा जा रहा है नवंबर में आ रहा है, कभी लिखा जा रहा है दिसंबर में आ रहा है, लेकिन 2015 में जो क्लरिकल का एग्जाम है बिल्कुल नहीं आया. इनफैक्ट मैंने जी न्यूज के एक ब्लॉग में भी पढ़ा, एक वीडियो भी पढ़ा देखा कि एसबीआई क्लरिकल का 20,000 वैकेंसीज के लिए मेगा रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो जी न्यूज जैसा बड़ा चैनल में भी लिखा हुआ था लेकिन एक्चुअल में एग्जाम नहीं आया. And I was very much skeptical, doubtful about all these news because ये सब लोग जो भी ब्लॉग्स या वीडियो बना रहे थे ये मेनली ये उनके व्यूज के लिए बना रहे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स मिले. बट इसमें जब एग्जाम की बात होती है, जॉब की बात होती है, तो मैं कहूँगा आपको व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो मैं इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, 2015 में एग्जाम नहीं आया था, 2016 में एग्जाम आया था, 2016 में एग्जाम हुआ था जून में, तो इन जून 2016, तो 2016 में पहले क्लरिकल का एग्जाम हुआ, इसका नोटिफिकेशन अराउंड अप्रैल आया था, और बाद में पीओ का एग्जाम हुआ जो आप डेट देख सकते हैं. 2017 में एग्जाम नहीं आया, ठीक है, तो अभी तो 2017 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और एग्जाम अभी भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है. सो फ्रॉम द डेटा दैट आई हैव फॉर एसबीआई क्लरिकल आई कैन प्रेडिक्ट, सीरियसली स्पीकिंग आप कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, आपको भी डेटा मिलेगा तो आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको ये एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम इस साल 2018 में जरूर मिलेगा, ठीक है. तो ये दो बड़े एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हो. नाउ एज फार एज द प्रिपरेशन पार्ट इज कंसर्न, वी आर अरेंजिंग अ सेमिनार. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट वी रन द क्लासरूम ड्रिल अपार्ट फ्रॉम द दिस ऑनलाइन वीडियोस दैट वी शेयर ऑन यूट्यूब विद मेनी पीपल. वी रन द क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मुंबई, इन बोरिवली, ठाणे, दादर. तो वी आर अरेंजिंग अ सेमिनार ऑन 7th of January, 6-7 January क्या सैटरडे संडे को हमने सेमिनार अरेंज किया है. सो इफ एट ऑल एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार एंड टू नो द थिंग्स वेरी मच इन डिटेल अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड ऑल, तो आप वो सेमिनार अटेंड कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन का और ब्लॉग का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूँ.
अदरवाइज आने वाले समय में जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल रहा है एग्जाम के बारे में ऑन एवरीथिंग विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू. वन थिंग विच वी डिस्कस्ड ओवर हियर कि ये पहले दो साल के बाद मैं एक लास्ट पॉइंट बताना भूल गया जो बता रहा हूँ टू एंड विद द वीडियो कि 2013 और 14 तक ये एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम हुआ करता था. ठीक है, एक एग्जाम 200 मार्क का होता था. 2015 से उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, प्रीलिम्स मेंस कर दिया. सो दैट्स अ चेंज. तो ये सारे डेट्स जो मैंने मेंशन किए प्रीलिमिनरी एग्जाम के. ठीक है, तो उसके बाद मेंस का राउंड रहेगा, प्रीलिम्स 100 मार्क का, मेंस 200 मार्क का. और उसमें भी पिछले साल वापस थोड़ा बहुत एक चेंज आया एसबीआई में और आईबीपीएस में भी. सो ऑल दीस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग एज एंड व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स. और एनीवे अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हो तो आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हो. बाकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना आपके साथ जारी रहेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर 2018. बाय बाय.